नवी दिल्लीत संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे. कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत बोलताना महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी केली. महाराष्ट्रात 11,000 अधिक सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. लाखो वाचकांना दर्जेदार पुस्तके, मासिके आणि वर्तमानपत्रे या ग्रंथालयातून मोफत उपलब्ध होतात. अशा ग्रंथालयांना राज्य सरकार वार्षिक देखभाल अनुदान देते. पण आता बदलत्या डिजिटल युगामध्ये नव्या पिढीत वाचनाची गोडी निर्माण करण्यासाठी या ग्रंथालयांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ई पुस्तके उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या मुद्द्याकडे खासदार महाडिक यांनी लक्ष वेधलंय. नाव मिस्टर धनंजय भीमराव महाडिक. इज ही हियर? या, ही विल स्पीक अबाउट स्पेशल असिस्टेंस बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू द पब्लिक लायब्ररीज ऑफ महाराष्ट्र. व्हाई महाराष्ट्र? थ्रू आउट द कंट्री वी नीड गुड लायब्ररीज. प्रपोजल हॅज कम फ्रॉम महाराष्ट्र सर, दॅट्स व्हाय आय एम स्टेटिंग. धन्यवाद उपसभापति जी. महाराष्ट्र राज्य में 11,000 से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालय हैं जो ट्रस्ट और संस्थाओं द्वारा संचालित हैं. ये पुस्तकालय लाखों पाठकों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों तक पहुंच प्रदान करते हैं. राज्य सरकार इन पुस्तकालयों को वार्षिक रखरखाव अनुदान देती है. डिजिटल युग में बच्चों और युवाओं को पढ़ने की आदत डालने के लिए पुस्तकालयों में डिजिटल बुनियादी ढांचा और ई पुस्तकें उपलब्ध कराना आवश्यक है. महाराष्ट्र सरकार ने वित्त मंत्रालय को DPR के साथ एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें 469.38 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की है. केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं बताया है और सुझाव दिया है कि सहायता केवल ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्डों में नए पुस्तकालय स्थापित करने के लिए उपलब्ध है. महाराष्ट्र सरकार का यह प्रस्ताव 11,322 मौजूदा कार्यान्वित सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए है जो कई वर्षों से पाठकों को सेवाएं दे रही हैं. कई पुस्तकालयों की अवस्था जर्जर है, उन्हें पुनर्निर्माण और नई टेक्नोलॉजी जैसे ई लाइब्रेरी स्थापित करने की आवश्यकता है. इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सहायता की शर्तों पर पुनर्विचार करें, क्योंकि मौजूदा पुस्तकालयों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता की आवश्यकता है. राज्य में पहले से ही वित्त पोषित सार्वजनिक पुस्तकालयों का बड़ा नेटवर्क है, इसलिए नए पुस्तकालय स्थापित करना संभव नहीं है. विशेष सहायता प्राप्त करने की समय सीमा निकट आ रही है. मेरी सरकार से ये मांग है कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करके राज्य को अर्थ सहाय प्रदान की जाए. धन्यवाद. धन्यवाद धनंजय जी.